और देहरादून का दून क्लब आज भी अंग्रेजों की गुलामी वाली मानसिकता से बाहर नहीं आ सका है। क्लब में आज भी धोती कुर्ता पहनकर आने वालों की नो एंट्री। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन कांडवाल धोती कुर्ता और सिर पर टोपी लगाए दून क्लब की सदस्यता लेने पहुंचे, लेकिन सनातनी वेशभूषा पहने होने के कारण क्लब में एंट्री नहीं मिली। नियमों का हवाला देते हुए सदस्यता देने से इनकार कर दिया गया। हमारे नाक के नीचे देहरादून में अगला तो यह है कि अब हम इसी तरीके से देखेंगे कि कहां कहां ये अंग्रेजी परिधानों के कारण ही प्रवेश मिलता है, तो इसमें भी एक आंदोलन छेड़ा जाएगा। मामले के तूल पकड़ने के बाद दून क्लब के अध्यक्ष सुमित मेहरा भी पहुंचे और नियमों के बदलने का भरोसा दिया। देहरादून क्लब जो है ये हमारा मेंबर से चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा ये हाउस में रखा जाता है और इसमें बकायदा वोटिंग होती है, तो जो 2500 मेंबर डिसाइड करता है तो उन्होंने ड्रेस कोड के लिए यही हमें यहाँ लिखा हुआ है कि ड्रेस कोड में हमारे को राउंड नेक टी शर्ट्स और ये कुर्ता पजामा धोती जैसा अलाउड नहीं है। बताया जाता है कि 1901 से अब तक दून क्लब के पदाधिकारियों की मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। आज भी अंग्रेजों के नियम और शर्त चल रही हैं। मनमोहन कांडवाल ने नियम में बदलाव नहीं होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।